नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 में आए न्यू मॉडिफिकेशन रूल्स की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या करवा चुके हैं। क्योंकि इस मॉडिफिकेशन रूल के आने के बाद कई लोगों में बहुत सारे सवाल हैं या फिर बहुत सारी कंफ्यूजन है, जैसे कि हम किस तरह की मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं या किस तरह की मॉडिफिकेशंस नहीं करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, बने रही मेरे साथ इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो 2019 में इस रूल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इंडिया में 2019 17 जनवरी के बाद किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन आप गाड़ी में नहीं करवा सकते हो। वैसा मॉडिफिकेशन जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से डिफर करता हो या उसको वेरी करता हो। फॉर एग्जांपल, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर आपकी गाड़ी का कलर रेड है तो आप गाड़ी में रेड पेंट ही करवा सकते हैं, आप गाड़ी में ब्लू पेंट नहीं करवा सकते। दूसरी चीज ये आती है कि आप गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन कितना उसमें इंक्रीज होना चाहिए, कितना डिक्रीज होना चाहिए वेट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी एक बात कही है कि आप गाड़ी के वेट का 2%, गाड़ी के वेट का 2% ओनली या आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा मेजर चेंजेस आप नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है कि आप अगर अपनी गाड़ी में इंजन चेंजेस करने की सोच रहे हैं, तो इंजन चेंज करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंजन चेंज करने के लिए एक नई नीति अपनाई है कि आपकी गाड़ी जैसे बहुत पुरानी है और आप इंजन चेंज करना चाहते हैं, तो इंजन चेंज करने के लिए आपको पहले आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस, RTO जिसे बोला जाता है, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको अपना केस उन्हें बताना पड़ेगा, तब जाके वो उसे एनालाइज करेंगे और आपको अगर वो परमिशन लिखित में, रिटर्न में अगर दे देते हैं, तब आप अपनी गाड़ी का इंजन चेंज कर सकते हो। अगली चीज ये आती है कि क्या आप अपनी गाड़ी में CNG लगवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे पेट्रोल की गाड़ी है उनकी और पेट्रोल काफी महंगा पड़ता है, तो आफ्टर मार्केट वो CNG किट लगवा लेते हैं, जिससे वो थोड़ी सी एफिशिएंट होती है। तो जी, इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आप अपनी गाड़ी में CNG किट लगा सकते हैं। उसका ही रीजन है कि CNG थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाती है और थोड़ी सी चीपर भी पड़ जाती है, जिससे कि सामने वाले को काफी फायदा हो जाता है और एनवायरनमेंट के लिए भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद चीज आती है कि आप अपने व्हील साइज को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप व्हील साइज को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपकी गाड़ी के हाईएस्ट वेरिएंट में हो। फॉर एग्जांपल, हम टाटा टियागो की बात कर लें, तो टाटा टियागो के XT वेरिएंट में हमें 13 इंच के व्हील्स मिलते हैं, 13 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और XZ+ वेरिएंट में हमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो आप 15 इंच के अलॉय व्हील तक ही आप अपनी गाड़ी का टायर साइज अप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। उससे ज्यादा आप अगर करोगे तो सीधा सा जो 2% वाला रूल है वो आप तोड़ोगे, कि आप अगर 15 इंच का टायर डलवा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में कोई खास मेजर चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आप उससे अप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी का ग्रॉस वेट भी बढ़ने वाला है। तो ये सीधे सीधे नियम के खिलाफ होगा। दोस्तों, अब बारी आती है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस करवा चुके हैं, क्योंकि ये रूल तो 2019 में बना, इससे पहले तो लोगों ने मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ियों में करवा लिए हैं, तो जिन लोगों ने मॉडिफिकेशंस करवा लिए हैं अब उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई कमेंट नहीं किया है कि पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। तो आपको अभी इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि
आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है फेल हो जाएगा या आरटीओ निरस्त कर देगा, लेकिन नहीं करने वाला, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई गाइडलाइन आती है या कुछ रूल आते हैं तो मैं अपने चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि नई मॉडिफिकेशन रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, अगर आप ऑटोमोबाइल और ड्राइविंग से रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।